झारखंड में 6 अक्टूबर को जितिया पर्व को लेकर के बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया और इस पूजा को, इस पर्व को हमारे झारखंड के अलावे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। और आप सबों को इस वीडियो में दिखाने का प्रयास करूँगा, आखिर में माताएँ, महिलाएँ इस पूजा को, इस पर्व को क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। जितिया जीवित पुत्री का व्रत के रूप में मनाया जाता है। और ये पूरे झारखंड प्रदेश में मनाया जाता है, जिसको माताएं अपने निर्जला व्रत के द्वारा करती हैं। कहने का मतलब ये है कि तीन सांझ माताएं निर्जला व्रत का उपवास करती है, अपने पुत्र पुत्रियों के दीर्घायु के लिए यह व्रत करती है, ताकि उनका बाल बच्चे, उनके बाल बच्चे सुखी संपन्न रह सकें, निरोग रह सकें और दीर्घायु बन सकें। और इसके लिए लगभग 8 दिन पहले से ही इसकी तैयारी की जाती है। पूर्णिमा के पश्चात, जिसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा में पैरवा कहते हैं, पैरवा के दिन में जावा उठाया जाता है। गना में बरग अच्छा जितिया जनमी गेल जितिया के हो। हरे के सेवा करी मैना के सेवा करी हमार जितिया के। हरे के सेवा करी हरे के सेवा करी मना जीतिया के। जावा उठाने का कार्यक्रम इस प्रकार होता है कि नदी से बालू लाया जाता है और उस बालू को धो करके घर के प्रांगण में रखा जाता है। माताएं, बहनें और उसमें 8 प्रकार के अनाज को मिश्रण किया जाता है और हल्दी लगाया जाता है, जल से अभिषिक्त किया जाता है और उसका पूजा पाठ किया जाता है और माताएं इससे जावा के रूप में उठाती हैं 8 दिन पहले। और इस जावा का पूजा सुबह शाम माताएं करती हैं। पूजा करने की विधि भी है इनका कि ये सुबह शाम स्नान करती हैं और इसके बाद में धूप धुवन, अगरबत्ती या हल्दी का चूर्ण डाल करके, आरती उतार करके, दीपक जला करके ये 8 दिन इनकी सेवा करती हैं माताएं। तत्पश्चात ये 8वें दिन इस जावा को लाया जाता है प्रांगण में। इससे पूर्व गांव के पहान के द्वारा पीपल की डाली को, जिसको हम लोग जितिया कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा में हम लोग जितिया कहते हैं, पीपल की डाली को पहान के द्वारा काट करके लाया जाता है और आंगन में प्रत्यारोपित किया जाता है तथा अपने विधि विधान के साथ में पहान जितवाहन बाबा की पूजा करते हैं। और इसके पश्चात जितने भी व्रती माताएं, बहनें होती हैं, वे इस पीपल की डाली के चारों ओर बैठ करके इसका पूजन करती है और व्रतियों के द्वारा पूजन करने के पश्चात ये पारंपरिक गीत से स्वागत किया जाता है। Hey.
और तत्पश्चात ये पूरी रात सभी माताएं, बहनें, भाई बहन, इष्ट बंधु, मित्र सभी को मिल करके इस जीवित पुत्री का व्रत को हम लोग मानते हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रम गीत नृत्य के साथ में हम इसका समापन करते हैं। सुबह फिर इनको, इस जितवाहन बाबा को, इस पीपल की डाली को हम लोग विसर्जन करते हैं जल के स्तर पर, या कहीं नदी पर, या सड़क के किनारे इनको हम लोग विसर्जित करते हैं। और इस प्रकार से यह व्रत हमारा पूरा होता है। व्रतियों का कहना है कि यह व्रत पुत्र पुत्रियों अपने संतान के दीर्घायु एवं उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। धन्यवाद। इस प्रकार से हमारे जितवाहन राजा जो कि उसको महिलाएं, पुरुष, बच्चे नाच गान अपनी संस्कृति के माध्यम से उनका विसर्जन करते हैं। हमारा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं रविंद्र बड़ाई खुट्टी, झारखंड, इंडिया नट के लिए।